हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टाइलिश बॉक्स पर। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताऊंगा जो आपके फ़ोटो के बैकग्राउंड को बहुत ही आसानी से हटा सकता है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उसका बैकग्राउंड हट जाने के बाद उसमें नया बैकग्राउंड कैसे सेट करें। तो चलिए, आपके मोबाइल में जो भी ब्राउज़र है उसको ओपन कर लीजिए। तो मेरे मोबाइल में क्रोम है, तो मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। तो क्रोम ब्राउज़र ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर remove.bg सर्च करना है। तो चलिए हम remove.bg सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर हमने remove.bg टाइप कर लिया है। अब हम सर्च बटन पर जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन पर क्लिक करते ही ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर दें, ताकि आपको हर नए वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। ये वेबसाइट ओपन हो चुका है। अब आपको एक फ़ोटो अपलोड करना है जिसका आप बैकग्राउंड हटाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपलोड इमेज का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर क्लिक करते ही आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। तो चलिए मैं ब्राउज़ के ऑप्शन पर चले जाता हूँ। यहाँ पर भी आपके फ़ोटो दिखेंगे। अगर आप अलग फोल्डर में रखे होंगे तो वहाँ से भी आप फ़ोटो सर्च कर लेते हैं, सर्च करके डाल सकते हैं। तो चलिए मैं वहाँ से कर लेता हूँ। अब यहाँ पर इतने सारे फ़ोटो हैं, मैं किसी का भी बैकग्राउंड हटा सकता हूँ। तो चलिए मैं इस फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो हमारा फोटो अपलोड होना शुरू हो चुका है। फोटो का साइज जैसा होता है उस हिसाब से इसमें अपलोड होने में लगता है। अगर अगर फोटो 100 KB का होगा तो जल्दी अपलोड हो जाती है, या ज़्यादा MB का होगा तो थोड़ा टाइम लगता है। अब देखिए, फोटो अपलोड हो जाने के बाद ये देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड ऑटोमेटिक हट चुका है। हमें कुछ नहीं करना पड़ा, बस फोटो अपलोड करते ही इसका बैकग्राउंड हट गया, और ये उसका बैकग्राउंड के साथ फ़ोटो है। यहाँ पर कभी कभार अगर आपको लगे कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है, एडिट करना चाहते हैं, तो इस एडिट वाले बटन पर क्लिक कर लीजिए। आप इसको जैसा चाहे सही कर सकते हैं। इरेज, रिस्टोर। इरेज में आप अगर कहीं बैकग्राउंड को इसका हटाना चाहते हैं उससे कर सकते हैं। रिस्टोर मतलब कहीं पर लग रहा है कि आपको ये हो चुका है, मतलब इरेज हो चुका है, तो रिस्टोर कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको क्लोज कर लेते हैं। फ़ोटो को सबसे पहले तो डाउनलोड कर लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें अलग से बैकग्राउंड कैसे ऐड करते हैं। तो हमारा फ़ोटो डाउनलोड हो चुका है, तो फ़ोटो को एक बार ओपन करके देख लेते हैं। देखिए, तो अब आपको प्ले स्टोर में जाकर कोई भी फ़ोटो एडिटिंग ऐप इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं ज़्यादातर तो पिक्सेल ऐप यूज़ करता हूँ, तो चलिए पिक्सेल ऐप भी करके दिखा देते हैं। तो मैं पिक्सेल ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो हमारा पिक्सेल ऐप का जो ऐप है वो ओपन हो रहा है। अब हमें यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड सर्च करना है। तो चलिए यहाँ पर फ्रॉम गैलरी से कोई भी जो है जिसका बैकग्राउंड उस फोटो पर लगाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर जो बैकग्राउंड देख रहे इसको इस फोटो पे रखना चाहता हूँ, तो इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप कोई भी बैकग्राउंड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिया है। अब प्लस के आइकन पर क्लिक करते ही फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन आएगा। यहाँ से हमें उस फोटो को लेना है जिसका हमने बैकग्राउंड हटाया है। अब हम इस फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर आप इस फोटो को इस तरह से लगा सकते हैं। आप जैसा चाहे इसको बड़ा भी कर सकते हैं। तो देखिए, इसका बैकग्राउंड बहुत ही आसानी से हट भी चुका है और लग भी चुका है। आप यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन भी हैं। आप इस फोटो को थोड़ा सा अच्छा से कलर भी दे सकते हैं, जैसा चाहे अपना डिजाइन दे सकते हैं। आप कोई भी बैकग्राउंड को डाल भी सकते हैं। तो चलिए इस फोटो को सेव कर लेते हैं। अब हमारा फोटो सेव हो चुका है। आप इस फोटो को कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। जिस फोटो का बैकग्राउंड हमने रिमूव करके पिक्सेल ऐप पे जाके एडिट किया वो यहाँ पर सेव हो चुका है। तो चलिए देख लेते हैं फोटो कैसा है। तो ये रहा हमारा फोटो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो
वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और किसी भी तरह का मन में सवाल होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, और मैं आपसे मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।